मैं असहज साधु कृपाल के चरणों के अंदर नमस्कार करता हाँ जिन्होंने सानू आपकी याद का मौका दिता है। आप सदा ही छोटिया छोटिया और बड़िया गंभीर मसाल देकर समझाते होंगे सन कि किस तरह शेर का बच्चा किसे इज्जत चारन वाले दे पेड़ा बकरियां वाले दे हाथ आया उसने घर विच लिया के पेड़ा बकरियां का दुध पिलाउन लग्या। वो उस तरह की वो बोली बोलन लग पिया क्योंकि रोज की सोबत हो रही सी। किसी शेर ने देखा कि भी ये साड़ी नस्ल का जानवर है फिरदा ये भेड़ा विच है। उसनों आके समझाउंदा है कि भी प्यारिया तू तो शेर है भेड़ नहीं। वो मनन वास्ते तैयार ना होया। अखीर वो कहिंदा तू चल मेरे ना पानी ते चल के खड़ा हो आप आपो अपनी शक्ल देखते हैं। जब उसे देखा वह कहिंदा क्यों भाई देख तेरी मेरी शक्ल इको जी है या नहीं। मैं भी बोलता तू भी मेरे तरह बोल। जब दोने गरजे शेर भी भज गया दोने गरजे भेड़ा भी भज गई और जो चरवाहा सीगा वो भी भज गया क्योंकि पहला उसने भेड़ का बच्चा समझा सी। जब पता लग्या भी नहीं ये तो शेर का बच्चा है। इस तरह संत महात्मा आके सानू यही कहते हैं कि तुसी अपना आप पछाणो। जिस तरह वो शेर उस पानी ते ले जाके शक्ल बखाउंदा सी तो संत सतगुरु भी सन इसे तरह ही कहते हैं कि तुसी अपना आप पछाणो तुहानू पता लगेगा कि थोड़ा आस्था उही है जो परमात्मा का है। किसी वक्त तुसी ऐसे भंडार विच सो जिते कि शांति सी तुसी मन दे वस हो के मन ने थोड़ा इंद्रिया दे वस किया है। वो इंद्रिया भेड़ा हैं जिन्हां दे विच साडी आत्मा मिठे खट्टे सारे स्वाद चख रही है। तो मन का चरवाहा है तो जदों भी संत आउंदे है वो इस नूं इहदा घरा घराणा पर बोली दसन वास्ते आउंदे है अपना आप पछाणन वास्ते आउंदे है। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है ये बड़ा गूढ़ा है ये बयान विच नहीं आ सकता। सानू पता है कि एक दिन असीं जिथे भी जाके पैदाइश लैंदे हैं अंत हुंदा है। जदों अंत हुंदा है साडा बहुत सारा समाजां दे नाल लगाव हुंदा है बाल बच्चियां दे साथ हुंदा है धन दौलत दे नाल हुंदा है हकूमत दे नाल हुंदा है लेकिन अंत समय साडे साथ कोई भी नहीं जांदा कोई साथ ही नहीं दे दिंदा गा ना दे ही सकदे है। जिन्हां बेचारियां नूं इह नहीं पता कि प्राणी कित्थे चलिया है वो मदद की करनगे। मौत दे फरिश्ते दा किसे नूं इह नहीं पता कि वह किधरों आउंदा किधर कन्न पकड़ के लै जांदा है वो मदद की करनगे बई। तो इस वास्ते संत कहिंदे कि असली रिश्ता जो है वह गुरु और शिष्य दा है। औके घड़ी ना देखण दे अपना बिरध संभाले उन्हूं आपदे नाम दा अपने बिरध दी लाज हुंदी है वो उस घड़ी ते वो हाजिर हुंदा है। अगर तां असीं उन्हां दे दित्ते हुए नाम की कमाई पहला ही करदे हैं तो असीं जिंदे जी अपने आप नूं पछाण लैंदे हैं जिंदे जी
ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਮੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਲਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਲਿੱਦਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਬਿਰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਉਹ ਸੰਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਗਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਮ ਬੋਲੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਓਲੇ, ਕਾਇਆ ਬਿਨ ਬਰਮ ਕਿਆ ਬੋਲੇ। ਬਰਮ ਵੀ ਕਾਇਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਟੀਚਰ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਗੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਭਾਵਨਾ ਜੈਸੀ ਹਰ ਮੂਰਤ ਦੇਖੀ ਤਨ ਤੈਸੀ। ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੀ ਵੈਸੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 25 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ 45 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਨਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੜ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਉੱਠਣਾ, ਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਯਕੀਨ ਬੱਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਾਂ।
क्योंकि संसार हर किस्म के समान नाल भरिया होया है। तो महात्मा कोई निशान नहीं रखते, लेकिन जब वो प्रेम चाहते हैं, मस्ती चाहते हैं, तो अपना आप लुको के भी कुछ नहीं रखते। वो सेवक होते जो चाहवान है सब कुछ प्रकट कर देते हैं। कबीर साहब ने कहा सी कि इस नाम नू पाके इस गंध नू खोलना, क्यों भाई नहीं परख नहीं पारकू नहीं गाक नहीं बोल, इस वस्तु के गाक बड़े घट है, जेड़े गाक नहीं वो परख नहीं सकते। एक अचंभौ देखिया हीरा हाट पकाए, ये अचंभौ है, वो जगह जगह जाके होका दिता है। बंजन हारे बाहर कौगी बदले जाए, प्यारे हो ये हीरे नु सारे है, लेकिन परखण वाले थोड़े होंगे है। ये नहीं कि उन्होंने परख्या नहीं, किसे गुरु नानक नु अंगद ने परख लिया, कबीर ने धर्मदास नु परख लिया, सावन नु परपाल ने परख लिया, जो चाहवान है रखना जो परख लेते हैं वो पारकू होंगे है। तो महापुरुष जब गुरु नानक कहते हैं आते हैं तो प्यार के नाल सन हर हीले हर हालत वो समझाते हैं। पर महाराज साधु सिंह कहते होंगे सी बिरले बिरले नक होंगे है जेडे उन्होंने महक लेंगे है वाशना लेंगे है, बेशक साडे सब दे नक तो लगे है लेकिन महक लेने वाला कोई भी नक हों। आप कहते सन कि पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ रहे थे, अप्रैल का महीना सी तुरे जाते सन यका यक मैं कमला खुशबू जिहड़ी सी बढ़ती गई, जैसे जैसे अगे जाइए कि दिल च ख्याल आया कोई लड़का वाला भी होने वाला नहीं, इन्नी खुशी हो गई कोई अहदा तरक्की भी मिलने वाली नहीं कि जिदी इस तरह की खुशी हो गई। जब अगे गए तो मस्त फकीर बैठा सीगा, वो फकीर ने कहा कि कोई कोई नक हुंदा महक लैण वाला, क्योंकि दिल नू दिल जानता है, वो दी अख बनी हुई सी। इसे तरह महाराज दरबार वाकया सुनाते होंगे सी अमृतसर का कि महाराज सावन सिंह दुमी चंद नागपाल की कोठी विच बैठे, उत्थे एक सिख प्रेम विच आया कि महाराज जी कित्थे है, तो महाराज कृपाल उत्थे सन, वो कहिंदे भाई साहब जी किवें आए हो, वो कहिंदा कि रात ने सुपने विच ये महात्मा मिले सन, ये अपना पता दस के आए सी, नोट कराया सी कि मैं फलानी जगह हाँ तू मैं उत्थे मिला के। तो छपाउंदे भी नहीं, तो जब आप राती अंदर गए उत्थे बस फकीर आया, वो बड़ा हौसले का तुरे आया महाराज के चरणों से मत्था टेक के उस तरह बाहर कट गया। लोगों ने पूछा कि तू इतना खुशी है, खुशी खुशी गया खुशी खुशी आ गया, वो कहिंदा मैं मेरा यार लभ गया। तो इस वास्ते लुकाउंदे भी नहीं, लेकिन जिहड़े असीं दुनियावी लेवल ते वेखदे हैं वो असीं इंसान समझदे। मैं दसदा हुंदा इक पढ़िया लिखिया भी इंसान है, एक जजड़ी इंसान है, एक मुरजम जिहड़ा उहदे अगे हथ जोड़ी खड़ा है वह भी इंसान ही है, लेकिन उन्हां दी पदवी का उन्हां दी क्लासिफिकेशन का बड़ा फर्क हुंदा है। सो संत अंदरों परमात्मा दे नाल जुड़ के परमात्मा रूप होए बैठे हुंदे हैं, वह परमात्मा दे नाल प्यार पा के परमात्मा दे प्यारे बच्चे बन जाते हैं। पिता कृपाल आग्या यकीनी आर्क मुख मांगे सो देना, सुखबीर साहब का तुहाडे अगे छोटा जिहा शब्द रखा जाता है गौर न सुन वाला है। कबीर साहब के शब्द नंबर 14 संतां दी बाणी 597।
गुर से लगन कठन है पाई, गुर से लगन कठन है पाई, लगन लगे बिन काज न सर है, जीव परले हुए जाई। आप कहते लगन तो बड़ी कठिन है, लेकिन दिल ना दिल बनाए बगैर छुटकारा भी नहीं होता। जमण मरण दे विच असी लगे ही रहने हैं। इस ताणी चो ना असीं अज तां निकले हैं, उलझे सूत दे विचों ना अपने आप निकल ही सकते हैं। कोई सुलझा होया इंसान, कोई जुड़िया होया इंसान मालक दा प्यारा मिले, असीं उहदे नाल बैठ के दिल ना दिल बनाइए, तद असीं उसनूं पछाणदे हैं। बड़ियां बड़ियां लोगों ने कोशिशां कीतियां, घर बार छड़ दिते, जंगलां च चले गए, खाना छड़ता, विषय विकार छड़ दिते, सुख के हरड़ दी तरह शरीर कर ले, लेकिन उस प्रभु ने दर्शन ना दिते, आखिर दिलगीर हो गए। मन फिर वस्ती विच लै आउंदा है, क्योंकि कोई रस्ता देन वाला, कोई पूरा महात्मा जिंदगी च ना मिलिया। हंकार होया कि असी घर बार छड़िया है, असी त्यागी हाँ, असी इतने साल तप कीता है। प्राणा दे अंदर बड़ी अच्छी कथा आउंदी है कि विशिष्ट और विश्वामित्र दे अंदर बड़ी बहस छिड़ी। वो कहण लग्या कि तप अच्छा है, वो कहण लग्या किसे पूर्ण महात्मा दी संगत अच्छी है। तां वो अपना न्याय करवाउण वास्ते ब्रह्मा जी दे पास गए। ब्रह्मा जी ने सोचिया कि दोने जबरदस्त है, शिवा पाज भेज दिते। शिवा ने भी देखिया ये दोने ही जबरदस्त है, मैं इन्हां दा न्याय नहीं कर सकता गा। उन्होंने विष्णु भगवान दे पास भेजे, विष्णु भगवान ने शेष नाग दे पास भेज दिते कि वह तुहाडा न्याय करेगा। जब शेष नाग दे पास गए, कहण लगे भी तू साडा फैसला कर कि किसी पहुंचे महात्मा की संगत अच्छी है या तप अच्छा है। वो कहण लग्या मेरे उपर धरती का बड़ा भार है, अगर तुसी इस थोड़े चिर वास्ते चुक लो तो मैं तुहाडा न्याय वेला होके कर सकदा। तो विश्वामित्र ने 10,000 साल का तप कहा मैं दिना है, धरती चुकी जाए, धरती नूं कोई पता ना लग्या। 20,000 का लाता, 30 का, 40 का, आखिर 60,000 उन्होंने साल तप किया, सारा ही लगा दिता। धरती थोड़े चिर वास्ते उपर उठी, लेकिन फिर उत्थे टिक गई। तो विशिष्ट जी महाराज ने कहा कि मैं 2.5 घड़ी का सत्संग का फल दिना है। तो धरती उपर उठ खड़ी, शेष नाग वेला होया। तो विश्वामित्र बड़ी काली ना कहण लगे भी तू साडा हुण फैसला कर। वो कहिंदा भी फैसला तो अपने आप ही हो गया, तेरे तप नाल धरती उपर ना खड़ी हुई, तो इहदे सत्संग दे फल ना उपर खड़ी हो गई है। तो कबीर साहब कहिंदे है एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूं ते आद, कबीरा संगत साध दी कटे कोट अपराध। करोड़ों अपराध
असि कितने मेले कुचेले आदमी हुंदे हैं, जिसनू भी सोझी आउंदी है, समझ आउंदी है, सत्संग दे जरिए आउंदी है। सत्संग दे जरिए ही असि शराबी शराब छड़दा है, ऐ भी ऐब छड़दा है, चोर चोरी छड़ जांदा है, बड़े बड़े जिन्हां दी किते दवाई नहीं हुंदी, किसे कमाई वाले दी संगति उन्हां दा जीवन पलट के रख दिंदी है। सो इस वास्ते प्यार नाल समझाउंदे है कि जिंदगी च कोई ऐसा महात्मा मिल जावे। कबीर साहब कहिंदे है कि असीं उहदे नाल दिल बना लईए, तो तद ही कहण लगे असीं जीवन दा जो फल परमात्मा ने सानू बख्शिया है, उत्तम फल, उत्तम मौका, हीरे जैसा, यह हीरे जैसा जन्म है, विषय बकार कौडियां है। आप कहते कौडी बदले जाए, ये कौडियां बदले, विषय बकार कौडियां हैं जी। लगन लगे बिन काज न सर है, जीव पर ले हुए जाई, जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रट लाई। बड़ी अच्छी मिसाल देंदे है कबीर साहब के भी गुरु सिख की केह जी प्रीत हुंदी है, सिख का की ड्यूटी है। पपीहा प्यासा होता है, वो पानी वास्ते रट ला लेंदा है, नदियां नालियां दा कितना भी पानी क्यों ना बगदा होवे वो नहीं पिएगा, क्योंकि उन्हां दी कुल नूं लाज लगती है। तो आप कहण लगे सिख का भी धर्म है, चलता है, फिरता है, जवान ते उन्हां दा दित्ता होया सिमरन ते अखां दे अगे उन्हां दी मनमोहणी मूरत होवे तद ही उह पपीहे दी तरह गुरु नूं याद करदा है। जे समय दा तां किहदा सुपना आएगा, गुरु किहदी याद आएगी, सुपने च परणावांगे ते धन गुरु हे सतगुरु तैनूं नमस्कार इही निकलेगी। कबीर साहब कहते सुखने हूं पर लाए के जे मुकनिक से नाम, हराम ताके पक्के ही पन ही मेरे तन को चाम। अगर कहे दे सुखने दे विच बरड़ा के भी उस प्रभु दा नाम आंदा है, मैं अपना तन ओदी जुत्ती वास्ते पेश करदा हां। ते उहनां नूं कदर सी नाम दी, परमात्मा दी कदर सी उस महात्मा नूं। हुण साडे मुंह चों की निकलदा सुत्तिआं दे जदों बरड़ाउंदे आ, पकड़ो पकड़ो मारो मारो, की है साडे दे काट कि असीं गुरु दी इतनी याद नहीं बना रहे। दित्ता होया सिमरन नहीं, फिर शिकायत करते हैं कि महाराज जी साडा भजन नहीं बनता, मन नहीं लगता, उन्हां दे विच आही कसर है। स्वामी जी महाराज कहिंदे जो जो चोर भजन दे प्राणी, से से दुख सहे, आलस नींद सतावे उनको नित नित भरम वहे, काम क्रोध के धक्के खावे लोभ नदी में डूब मरे। जेड़े भजन दे चोर है उन्हां दी की हालत है भाई, वो या काम विच फस जाणगे, या क्रोध दे शिकार हो जाणगे, या लोभ दे शिकार हो जाणगे, या कोई ना कोई अंदर बैठा मन भरम पा देवेगा। कबीर साहब कहिंदे मैं जाना मन मर गया, मर के होया भूत, मोया पिछो लग उठा ऐसा मेरा पूत। कोई मन नू जितना, मन दे उते काबू पाउणा कोई खाला जी दा वाड़ा नहीं, ये कोई खेल नहीं गा। सतगुरां ने सिर्फ सानू अक्षरी नहीं दसे, उन्होंने शब्द धुन दे नाल सेवक नू लैस किया होया, मन दे नाल संघर्ष करने वास्ते लैस किया होया है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है किस तरह का मेरा गुरु नाल प्यार है, जैसे प्यासा पपीहा बूंदा
वो पिया पिया पानी पानी मुंह जो करता है जी। जैसे पपीहा प्यासा बूंदे का पिया पिया रट लाईं, प्यासे प्राण तलब दिन राती और नीर नाम पाई। कबीर साहब कहन लगे असि एक बारी गंगा दे किनारे ते फिरदे सी, पपीहा प्यासा गंगा विच गिर गया, प्राण दे दिते पर उन्हें चुंज नहीं खोली कि मेरे कुल नूं लाज लग जाएगी। एक जानवर दी तुसी देखो कैसी प्रतिज्ञा है, तो असी भी पहला माता दे पेट विच जद पुठे लटकते हुंदे हैं, गुरु नानक ने कहा मुख तला पैर उपरे, मुंह थले है पैर उपर है, वसंदा को हतड़े थाओ नानक सो धनी विसारिया उधर है जिसका नाओ, उते साह साह दे नाल उन्हें याद करते हैं कि साड़ी तू बंद खुलासी कर, सानू कैद चो बाहर कर, तेनू याद करांगे, उते असी दसवंदा भी करार करते हैं, तो 24 घंटे दे 2.5 घंटे बनते हैं, पैसों का सरबंध दसवंत असी सारे कढ लैने हैं, कोई तनखा चो कढ़ता है, कोई खेती चो कढ़ता है, ये आसान है, लेकिन वक्त का दसवंत फिर असी गुरु तो नाम लेके उते भी इकरार करते हैं कि जी असी रोज 2.5 घंटे भजन करांगे, डेयरी भी रखांगे, तो डेयरी अपने आप नू सुधारन दा बड़ा ही अच्छा नुक्सा है, फार्मूला है, जिंदगी नू बनाउण दा एक किस्म दा रोज नामचा है। तो आप प्यार ना कहते हैं कि पपीहे ने प्राण दे दिते और नीर नहीं पाया। महाराज सावन सिंह अपनी एक जीवन घटना सुनाते होंगे सीगे, एक लड़की सी ना मिलिया सी शादी तो पहला, अच्छी कमाई की, बड़ी भरोसे वाली लड़की सी, बाबा जी अंदर प्रगट सन, शादी हुई, अगला जो परिवार सीगा वो सत्संगी नहीं सीगा, तो किसी ना किसी तो जी मनता ही है, वो आम तौर से गंगा जाते सीगे, उत्थे ले गए, तेनू जाना पएगा, वो चली गई, जो उत्थे घटना हुई वो महाराज सावन सिंह नूं दसन लगी, अलग टाइम ले लिया, कह लगी जी जब मेरी शादी हुई मैं जाके तो खुश नहीं सी पर घर वाले मैनू लै गए, उत्थे जिहड़ी गंगा मैया ते मूर्ति बनी सी मैनू कहिंदे तू इहनू मत्था टेक, मैनू पैसा दे दिता, उस जमाने च तांबे की काफ़ी मजबूत करंसी हुंदी सीगी, किसी दे मारगे ते चोट लगती सी, उन्होंने कहा कि तैनू इसनू मत्था टेक, मैं कि उसनू मत्था टेकिया, महाराज कहिंदे फेर बस के फेर की सी, तू अलोप हो गया, महाराज जी कहिंदे तू कन्ना नू हाथ ला, तू क्यों इष्ट बदलिया, वो कहिंदी तू भी कन्ना नू हाथ ला कि मैं फेर नहीं कदे छुपूंगा। सो जिन्हां दा इतना प्यार हुंदा है उन्हां दे गुरु उजाड़ां च पहाड़ां च जंगलां च कोई ऐसी जगह नहीं कि जिथे वो ना आवे ना सेवक दे नाल हो। मैं अपनी जीवन घटना अपने सतगुरु महाराज कृपाल दी दसदा हुंदा कि पंजाब दे अंदर पिंड टपाली है, साडी उत्थे रिश्तेदारी सी, मैनू जाण दा मौका मिलिया, उत्थे एक बाबा अच्छा कमाई वाला सी, काफी जटा जुटा बेचारे दे रखियां सन, उसने जल तारा कीता, जल तारा दसंबर दे महीने च जद बाली शरदी हुंदी है उदों सिर दे इत्थे उपर पानी पाउंदे है, काफी टाइम पानी पाउंदे है,
ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਰੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਸੇਵਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਬੋਰੀ ਮੰਗਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਦੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਦਫਾ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਆਪਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਜੀ ਪਿਆਸੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਲਬ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਔਰ ਨੀਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਜੈਸੇ ਮਿਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੇਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਕੋ ਜਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਨ ਦੇ, ਤਨ ਕੋ ਨਾਹਿੰਦਰਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਮਿਰਗ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿਰਗ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਤੋ ਮਿਰਗ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਮਿਰਗ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਵਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤ ਹੋਇਆ, ਉਧਰੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੇ। ਤੋ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਹ ਵਾਜੇ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਰਗ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਮਸਤ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕੀਮਾ ਕੀਮਾ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ ਬਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਤਨਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਉੱਠੇ, ਤੋ ਸਾਡਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੱਖੜ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੌਲੇ ਪੜਦੇ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੂਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਟ ਲਾ ਲਓ, ਤੜਫ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੱਝਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ,
ना मैं अखबारा से समा सकता है ना किसी होर कुंदरा में समा सकता है, पर हैरानी की गल है मैं भगतों के दिल में समा जाना है। तो कबीर साहब कहते हैं, मन मेरा पंखी पिया उड़कर चढ़े आकाश, स्वर्ग लोग खाली पड़िया ते सहब संतां पास। वो भाई आपके प्यारियां दे पास है जी। शब्द सुने और प्राण दान दे, तन को नाहें डराई, जैसे सती चढ़ी साते ऊपर, पिया कीरा मन पावक देख डरे बहनाई, हंसत बैठ सरामाई। संत सती दी रस्म दे उत्ते सदा ही खुलाप रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान दे अंदर वो जमाने विच बड़ा रवाज सीगा, राजस्थान दे विच हुण भी कदे कदे कोई वाकया हो जाता है। संत कोई भी आत्मदाह दे हक विच नहीं हुंदा गा। महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सी, जो जीवन तुहानू दित्ता है तुहाडे कर्मां मुताबक, विंगा है टेढ़ा है दुख है भुख है वह सास पूरे करो उहदे हुकम विच, इसे च भला है। जे आत्म घात करोगे तुहाडा गुरु ही तुहानू नहीं बख्शेगा, वह भी पुट्ठा टंग देवेगा। महाराज सावन सिंह कहिंदे आत्म घात करना तां किसी सोचना भी नहीं चाहिए गा, आत्मघाती महापापी। गुरु नानक कहिंदे औरत केड़ी सती है बई, सतिया ए ना आखिए जे मढ़िया लग जलन, सतिया से ही नानका जे बिरी झूठ मरन। जिन्हां दे दिल दे अंदर तां कौ होवे, लेकिन जेड़ा कम उहदा पति छड़ गया है बाल बच्चे नूं पालना, वह बहादुर बन के पाले उस कम नूं अगे तोरे, वो सती है। दिल खुड़कदा रहे कि मैनू मेरा पति जिहड़ा सी उह छड़ गया, लेकिन वो जवाने की जिहड़ी रस्म सीगी की सी कि जो घरों सती होने वास्ते निकलती सी, अगर वह अग्नि का सेक देख के भज जाती सी तो हिंदू लोग उन्हें आपके घर में ही नहीं रखते सी, पंगियां दे हवाले कर देंदे सी। सो इस वास्ते संत तो इस चीज के इस रस्म के खिलाफ है, लेकिन थानू यह मिसाल दिता कबीर साहब कि किस तरह अग्नि के सेक तो नहीं डरती गई। किन्नी लोक लाज है भी जे मैं मरूंगी ता ही मेरी जान छुटती है। ऐसिया भी रस्म कहानियां सुनते रहे हैं भी अगर कोई औरत ना सड़े तो चुकी ही सिट देंदे सीगे। तो कबीर साहब दसदे भी किस तरह अग्नि दे विच अग्नि नूं देख के ही विच जा पैंदी है। तुम्हारा सावन सिंह सती की आम तौर पर कहानी दसदे भी असली सती कौन है, जे उहदे दिल अंदर सच्ची बिरह है तो जद पति की मौत सुनती है उदों ही प्राण निकल जाते हैं। ऐसी घटना राजे भरथरी की सुनाते होंगे कि राजे भरथरी ने एक दिन आके महलों में राणी के पास गाथा सुनाई कि एक औरत पति मर गया उसकी चिखा के उत्ते सड़ गई। वो राणी कह लगी राजा वो फिर अगे सती नहीं सी, जे असली उहदे दिल अंदर बिरे हुंदी तां जदों उहने मौत सुनी सी उस वेले प्राण त्याग दिंदी।
राजा सोची पै गया कि इन्हें कलमा बड़ा उच्चा किया है। देखिए तो सही, एक दिन शिकार नू गया, उतो किसी जानवर नू मार के खून ना कपड़े पगो के घर नू भेज दिते कि तू राणी नू कह दी। राजा गुजर गया है, शेर ने मार दिता है, शेर का सामना हो गया। राणी ने जद सुनिया कपड़े देखे पति दे, उथे प्राण त्याग दिते। राजा आया, दिल झुंझलाया भी ओहो, ये तो सचमुच जो कहिंदी सी ओही कर विखाया। पछताया, फिर पछताया की बनता है। आखिर होर शादी कराई। वो शादी दियां कहानियां तुसीं आम तौर दे उत्ते किताबां विच पढ़दे हैं। इस तरह सी कि एक साधु जंगल विच गया, उसनू कोई फल थियाया। वो पारकू सी, वो फल दा ये सी तशीर गुण कि जेड़ा खावे बुढ़ा आदमी भी सदा लई जवान रवे। वो साधु ने सोचिया कि राजा बड़ा धर्मात्मा है, परतरी न्याय करता है, परजा नू बड़ा सुख होएगा। वो लिया के फल वो राजे नू दे दिता। राजे ने सोचिया कि शायद मेरी पहली राणी जैसी होएगी, उनू देइए। उन्हें फल उस नू दे दिता। जेड़ी राणी सी उहदा अगे प्यार कोतवाल दे साथ सीगा। उन्हें सोचा कि मेरा यार जड़ा है यही जवान रवे ते अच्छा है। उन्हें वह फल कोतवाल नू दे दिता। कोतवाल अगे एक बेसवा दे पास जांदा सीगा। उन्हें वह फल बेसवा नू जा दिता। तो बेसवा ने सोचा कि मैं तो सारी जिंदगी हरामकारियां कर दी हैं, बड़े पापां दे भारे सिर ते रखी जानी है, क्यों ना यह फल राजे भरथरी नू दे देवां कि जिहड़ा बड़ा धर्मात्मा है, प्रजा का बड़ा फायदा होएगा। उन्हें वह फल राजे भरथरी नू आ दिता हथ जोड़ के। राजे भरथरी ने वह फल नू पछाण लिया। जद वह फल नू पछाणिया तो उसने वेसवा नू पुछिया प्यार ना ये फल तेन किने दिता, कितों मिलिया है। वो कहिंदी जी कोतवाल तुहाडी जे नौकरी करदा वह मेरे पास आउंदा है। कोतवाल नू बुलाया, ये भी तेन फल कितों मिलिया। पहला तो कोतवाल जिहड़ा सीगा इधर उधर दियां मारन लग्या, टालन लग्या बातां नू। जद राजे ने धमकाया तो फिर बक पिया भी राणी तो मिलिया है। तो राजे ने अपने आप नू तरकार मारी कि मैं जेड़ी ताजी औरत सी वह तो प्रत्यावा लैण ची खत्म कर दिती। और फिर गए राणी दे सी जिन्हें राजे नू छड़ के एक नौकर दे नाल प्यार पाया। फिर गए कोतवाल दे है जिन्हू राणी मिली ते फिर वेसवा दे जांदा है। तो आखिर वराग ले लिया। ऐसी चोट भी किसी किसी दे अच्छी आत्मा नू लगती है संसार दे विचों, जिहड़े भगती दी तरफ जांदे है जी। पावक देख डरे वे नाही, हंसत बैठ सरा दो दल सन मुख आन जुड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई। कबीर साहब योध्या नी मिसाल देंदे हैं कि जिस तरह सूर में मैदान विच निकलते हैं, क्योंकि पिछले जवानों के अंदर तलवारां दी लड़ाई सी, आमो सामने दी बाहुबल परखिया जांदा सी कि कौन सूरमा कौन जवान है। वो बहादुरी दी लड़ाई सी। अज लड़ाई जो है ये धोखे दी है। बंदा किते बैठा है और तबाही किते करदा है।
जवान ना कारोबार चल रहा है, दमाकी लड़ाई है। तो कहने लगे जब आमो सामनी सूर में मैदान में आ जाते हैं, जब उस वक्त कोई मैदान नु देख के तलवारां वजदियां नु देख के कहल हुंदियां नु देख के डरदा चले जाता है, हट जाता है, हथियार सिट जाता है, उहदा अपजस हुंदा है। लोग उसकी निंदा करते हैं कि भी इवें सूरमा का हुंदा सीगा, तो रण नु देख के तो यह भज गया है, उन्हें कहर कहेंगे जी। दो दल सन मुख आन जुड़े हैं, सुराले टुक टुक होए गिरे तारन पर, खेत छोड़न जाई। परन करके आंदा है, शरीर दे पुरजे पुरजे हो जाते हैं, लेकिन मैदान चो नहीं जाता। सिख इतिहास के अंदर बड़ा जबरदस्त इस दे प्रधाय आंदा है कि कंघी अगर अपने आरी ना हड ना चरावे तो सिर दे उत्ते सवार नहीं हो सकती। मोती अपनी छाती विच छेक ना पवाए उन्हूं कोई हार विच नहीं लाउंदा गा। तिल अगर कोलू दे विच अपना आप ना पड़ाए कोई उहदा तेल दा मुल नहीं पाउंदा गा। शेर सीधा जाण तो अगर रुक जावे उन्हूं कोई मर्द दलेर नहीं कहिंदा गा। इसे तरह जे सिख होके धर्म नू लीक आवे तो उन्हें कोई सिख नहीं कहता गा, उन्हें गुरु मूह नहीं लाता गा। सिख होके धर्म नू लीक लावे, मूह लावे ना गुरु करतार। उन्हें सहजो बाई ने कहा सीगा के परमात्मा मूह फेर जावे, करों कट देवे ते गुरु बख्श दिंदा है, वो फेर ले जाता है। ये माफी मंगण वास्ते आया है, इसनों तुसी बख्श दिओ। पर गुरु के फटकारे कोई जगह ही नहीं। तो जिस तरह ये कह लगे सूरमा मदाने के जंग में जाके मरदा जा मारदा है वह आपका मैदान नहीं छड़दा गा। तो सिख का मैदान केड़ा भाई, सत्संगी का केड़ा मैदान है? ये दोनों अखां के दरमियान तीसरा तिल। इत्थे किहदे नाल लड़ाई करनी है? काम है, क्रोध है, लोभ मोह हंकार। गुरु नानक ने कहा नहीं ते पंज जवान गुर थापी दिती कंड जीओ। ये भी बड़े जबरदस्त योद्धे है, पर सत्संगी दी पिट ते सिख दी पिट ते पूरा गुरु हुंदा है। क्योंकि काम क्रोध लो मोहकार दी जो बैठक है वह अखां दे पिछे है, असूल सूक्ष्म त्रिकुटी विच है। जिन्ना चिकर असीं उहदे थले थले हैं, इन्हां नूं असीं जे कहीए ये असी जित लिया है, ये जिते नहीं जाते गे। एक साडे मन का धोखा हुंदा है, ये इस तरह हुंदा है जिवें असी सुलगदी हुई अग दे उत्ते थोड़ी बहुती राख पा दिंदे हैं, कोई चिर वास्ते वो टकी रहिंदी है, जद हवा आउंदी है वह अग फिर मच पैंदी है। इसे तरह अगर असी थोड़ा बहुता पढ़ पढ़ाई करके ये कहिए कि असी मन वस कर लिया, जब फिर भोगों की अंधेरी चलती है, विषय विकारां की अग भड़कती है, उद दूनी होकर भड़क उठती है। टुक टुक होए गिरे तारन पर, खेत छोड़न छोड़ो तन अपने की आसा, निरपै होए गुण गाई। ए ना कहो कि तन च कोई नुक्स पै जाएगा भजन करन दे नाल। कहन लगे ने तन नू तंदुरुस्ती मिलेगी, आत्मा नू बल मिलेगा, ताजगी मिलेगी। छोड़ो तन अपने की आसा, निरपै होए
ਆਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਤ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਲੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ ਤਲ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਪੜਦੇ ਅਸੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਆਤਮਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਔਰਤ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਦੇ ਹੈ, ਮੰਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਤੋ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਚਿੰਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਬੋਲੋ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੋ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲੋ, ਸਲਾਮਾਂ ਅਲੈਕੁਮ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰੋ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੋ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਛੋੜੋ ਤਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆਸਾ, ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਧੋ, ਨੈ ਤੋ ਜਨਮ ਨਸਾਈ। ਸਾਜੀ ਨੋ ਸੋ ਸੇ ਸਪੇਰਾ ਹੋ ਦੇਤੀ ਦੇਤੀ ਦੇਤੀ।